एक न एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला। और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आपकी आवाज। मामा ढूंढ रहा है अपने को, वे भांजे को, और लगा रहा है चक्कर। आज हम मौजूद हैं थाना दयालपुर गोकुलपुरी में। यहाँ पर एक मसला है एक लड़के के गायब होने का। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने उस लड़के के मामू। चलो जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। क्या क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मैं गली नंबर 18 में रहता हूँ। नाम मेरा है मोहम्मद शरीफ मलिक। भांजा हमारा हमारे पास रहता था, हमने गोद ले रखा था, बचपन से ही हमने पाला। 18 नंबर गली से वो गुम हो चुका। अच्छा, हमने कंप्लेंट करी थाने में। ये कब गुम हुआ था आपका बता? ये 24 तारीख को गुम हुआ था। 24 दिसंबर को गुम हुआ था। अच्छा, सबसे अब तक जो है आपने यहाँ थाने में नहीं आए थे? उसके थाने में आए, कितनी बार आए, कंप्लेंट भी लिखवा रखी है। और उसमें हम आवे जावे हल्के फुल्के पूछताछ करें और हमें कुछ बताते नहीं। इस कहानी को उलझा रखा, हमारी समझ में कुछ बात आई नहीं रही, हमें हमारे पल्ले कुछ पड़ी नहीं रही। तो जो जब लड़का आपका यहाँ से गया, आपने गुमशुदगी लिखाई जी, तो इसमें आईओ से आप आके मिले? आईओ ने क्या बताया? आईओ ने बताया चल लिया, छानबीन चल कर रहे हैं पूछताछ। अच्छा, उसकी फिर मोबाइल उसका यहाँ जो है गोकुलपुरी नाले पे मिला। अच्छा, गोकुलपुरी नाले में मिला, थाने के पीछे मिला। वो जो है यहाँ थाने में आया, उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, कैसे भी पता नहीं चल रहा किसी भी तरह का। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे का पता चले, जिस हाल में भी है, जैसे भी, हमें शक है कि उसके साथ में दुर्घटना ना कर दी है। ये इंक्वायरी ऑफिसर का क्या कहना? मतलब आज 11 दिन हो गए, 11 दिन के अंदर थाना गोकुलपुरी की पुलिस जो है अभी तक नाकाम है लड़के का पता लगाने में। नाकाम है, पता ही नहीं दे रहे कुछ भी हमें। नाकाम जो है 100 नंबर पे कॉल की थी? हाँ, 100 नंबर पे कॉल की थी, यहाँ आने से पहले 100 नंबर पे कॉल करी थी हमने। अच्छा, सबसे पहले 100 नंबर भी करी, तब यहाँ आए, जब यहाँ कंप्लेंट लिखवाई। आपको किसी पे कोई आशंका हो, कोई शक है जी? वहाँ वीडियो लिखवाई कैमरे की, इन्होंने आईओ ने जाके उस पर कैमरे पर आया, वो उनके गली में जाता हुआ, उनकी तरफ जाता हुआ, जहाँ हमारा शक है हल्का सा। अच्छा, वहाँ पे कहाँ जाता हुआ मिला? ये अशोक विहार लोनी। तो अशोक विहार लोनी में क्या जाता रहता था वो, या क्या मामला था? हाँ, वहाँ जाता रहता था, वहाँ जो है लड़की का जो रिश्ता लगा रखा था। उस रिश्ते के चक्कर में लड़की का, या जो लड़का गायब है उसका रिश्ता? हाँ, उसका रिश्ता लगा रखा। हाँ, ये जब उसका रिश्ता लगा रखा था, तो हमने जो है उस लड़के को दूसरे हमारी पार्टी ने, जिसको हमने थोड़े से एनुअल है हमारे से कनेक्शन में है, उन्होंने उस लड़की को दिखा दिया। वहाँ ला कर दिखाने के बाद में वो कह लगे सावली है लड़की, इससे रिश्ता मत करो। ठीक, उन्होंने रिश्ता अपनी माँ भी राजी, बाप भी राजी, लड़की भी राजी। ठीक, भाई राजी नहीं था, भाई राजी नहीं था, भाई पे हमें भाई ने धमकी दी। एक दफ़ा बोलचाल भी हुई फोन पे भी, और वैसे ही मुझोटी हुई यहाँ इंदिरापुरी दो नंबर पे। क्या नाम है उसका? रोजू। रोजू अशोक विहार में जो रहता है। हाँ, धमकी भी दी उसे मारने की। अच्छा, गोली मार दूंगा अगर जो तूने, अपने घर वालों को भी धमकी दी। अच्छा, अगर भाई ऐसा जो लड़की के साथ में रिश्ता कर दिया तो मैं तेरी लड़की को अपनी माँ को कह लेकर आंट बिठा दूंगा। तो आपको क्या पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें दूध का दूध पाने का पानी चाहिए, हमारा लड़का चाहिए, जिस हाल में भी हो, जैसे भी, इसका पता चाहिए, कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, हमें हमारा लड़का चाहिए, हमें पता चाहिए उसका पूरा। तो आज जैसे कि आज 4 जनवरी 2021 है, और आप दयालपुर थाने में आए थे आज, तो यहाँ आईओ से या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, उससे हुई, आईओ से हुई थी। तो क्या कहना है उनका? कहना कि अभी छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप उनकी छानबीन से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं हम संतुष्ट नहीं भाई, जब हमें पता ही नहीं चल रहा, आज 11-12 दिन हो लिए, ऐसे बहकारा जा रहा है, ऐसे ही बहकाने से काम थोड़ी चल जाएगा। क्या आईओ का नाम क्या है? आईओ का नाम क्या है? ऐसा ही राजू, राजीव, राजीव, राजीव शर्मा, राजीव शर्मा। एसएचओ साहब से मिले आप? एसएचओ साहब से? एसएचओ साहब से मिले, एसएचओ साहब करेंगे उसे ट्रांसफर कर देंगे हम वहाँ लोनी। अरे भाई, ट्रांसफर तो तभी करेंगे, लड़का तो हमारा यहाँ का, कंप्लेंट मरी यहाँ, सब कुछ यहाँ, यहाँ से गायब होया, तो हम लोनी की कैसे डिफेंड उसे वो कर दोगे? तो भैया हमारा यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली में ही। इस सिलसिले में आप डीसीपी साहब से मिले नहीं मिले? ना, डीसीपी से।